सब्सक्राइब करें हमारे स्टेट मीडिया चैनल को, देखिए देश विदेश की बड़ी खबरें। होम्योपैथिक चिकित्सा को लेकर समाज जनमानस में यह भाव है कि होम्योपैथिक चिकित्सा पहले बीमारी को बढ़ाते हैं। इस संदर्भ में वरिष्ठ होम्योपैथिक चिकित्सक डॉक्टर आर के यादव ने इस धारणा को सरासर गलत बताया। होम्योपैथ में एक बड़ा ही गलत सा रूमर फैला हुआ है जिसके वजह से लोगों को ट्रीटमेंट लेने में दिक्कत होती है। वो ये है कि लोग कहते हैं पहले होम्योपैथ किसी भी बीमारी को बढ़ाती है, ये गलत बात है। होम्योपैथ ट्रीटमेंट में कभी भी किसी बीमारी को होम्योपैथ द्वारा नहीं बढ़ती है इलाज करने के दौरान। इसमें होता क्या है कि होम्योपैथ ट्रीटमेंट में ज़्यादातर लोग पहले शुरू में वो पुरानी बीमारियों को इलाज कराने आते थे। जब पुराने बीमारियों को इलाज कराने आते थे तो वो जो है मॉडर्न साइंस मीन्स एलोपैथ ट्रीटमेंट लेते हुए हमारे पास आते थे। जब वो एलोपैथ ट्रीटमेंट लेते हुए हमारे पास आते थे तो वो तो व्यक्ति जो है, वो जो पेशेंट है, वो एलोपैथ मेडिसिन का एडिक्ट हो चुका होता है, उस दवा को खाने की आदत हो चुकी होती है। तो जब भी वो हमारे पास आता है ट्रीटमेंट लेने, हम अचानक से उसकी दवाइयों को बंद करा देते हैं और हम अपनी होम्योपैथ दवा चालू करते हैं। उस दौरान हम ये देखते हैं कि 3 से 4-5 दिन के बाद उसकी सारी प्रॉब्लम बढ़ जाती है। तो वो होम्योपैथ दवा खाने की वजह से नहीं बढ़ती है, वो जो एलोपैथ मेडिसिन, जो मॉडर्न साइंस की जो मेडिसिन वो खा रहा था, उसको छोड़ देने की वजह से 3-4 दिन के बाद उसकी सारी परेशानियाँ बढ़ जाती हैं। तो हम लोग ये एक जो जनमानस में, एक पब्लिक के अंदर में गलत रूमर फैला हुआ है कि ये होम्योपैथ दवा खाने से हमारा बढ़ गया है। तो होम्योपैथ दवा खाने से नहीं बढ़ा है, ये वो जो मॉडर्न साइंस की जो एलोपैथ दवा खा रहा था वो बंद हो गया, जिसके वजह से ये परेशानी उसकी बढ़ गई। अब वो 5-6-7 दिन के बाद धीरे धीरे ठीक होने लग जाती है। यहाँ पे हमें एक चीज़ ये कर सकते हैं कि अगर क्रॉनिक पेशेंट आते हैं हमारे पास और वो अंग्रेजी दवा के पहले से अगर सेवन कर रहे हैं, तो हम उनको ये कह सकते हैं कि आप उस अंग्रेजी दवा को धीरे धीरे छोड़ सकते हैं, क्योंकि अचानक बंद करने से उसकी सारी परेशानी बढ़ जाती। और आज के आधुनिकता के दौर में कोई भी बीमारी को बर्दाश्त नहीं कर सकता। पहले के लोग तो वेट कर लेते थे कि चलो भाई 5-10 दिन थोड़ा कष्ट कर लेंगे। तो आज के दौर में हम लोगों को ये देखना होगा कि अगर वो पहले से दवा ले रहा है तो वो उस अंग्रेजी दवा को धीरे धीरे छोड़े और होम्योपैथ दवा चलता रहेगा। जैसे जैसे उसे आराम मिलता रहेगा, टोटली उस अंग्रेजी दवा को बंद कर दें। नहीं तो हम लोग ज़्यादा हॉस्पिटल डेवलप नहीं हुए हैं। जब होम्योपैथिक हॉस्पिटल डेवलप होने लग जाएंगे, हर एक लोगों के पास होने लगेगा और गवर्नमेंट द्वारा भी बड़ी बड़ी होम्योपैथ हॉस्पिटल के जब व्यवस्था हो जाएगी, तो हम एक्यूट केस में जैसे डायरिया हो गया, डिसेंट्री हो गया, कॉलरा हो गया, फीवर हो गया, वहाँ भी जो है अपने होम्योपैथ दवा के द्वारा एक्यूट केस को भी हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। अब जैसे सर्जरी है तो सर्जरी तो सर्जन करते हैं ना, फिर उसके बाद मेडिसिन चालू होती है। तो हम लोग के भी हॉस्पिटल में जैसे सर्जन आएंगे और अपना सर्जरी करके चले जाएंगे, उसके बाद सारी होम्योपैथ दवाइयाँ हम लोग चला सकते हैं। देखिए तो होम्योपैथ ट्रीटमेंट में कमी नहीं है, बस मैनेजमेंट ट्रीटमेंट मैनेजमेंट की व्यवस्था न होने के वजह से हम लोग कई सारे एक्यूट डिजीज को प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं दे पाते हैं, ये है। दूसरी एक जो ये लोगों के अंदर जो गलत धारणा बैठी है कि होम्योपैथ दवा पहले बढ़ाता है, ये सरासर गलत है। होम्योपैथ दवा सिर्फ और सिर्फ ठीक करता है। अब जिनकी कोई बीमारी दबी हुई है वो थोड़ी बढ़ती हैं फिर ठीक हो जाती है, मगर ज़्यादातर लोग जो है मॉडर्न साइंस की दवाइयाँ खाकर आने के बाद हमारे पास आते हैं तो उन्हीं लोगों को बंद करने के बाद बढ़ जाती है। मगर ऐसा कोई भी नहीं है कि हमारी दवाइयों को खाने से पहले बढ़ जाती है। इसलिए आज के युग के जितने भी लोग हैं वो आराम से होम्योपैथ डॉक्टर के पास जा कर के अपनी ट्रीटमेंट ले सकते हैं और ये धारणा अपने दिमाग से निकाल दें कि पहले ये बढ़ाता है। कतई नहीं बढ़ाता है, ये सिर्फ और सिर्फ ये बीमारी को ठीक करता है। सर आज डॉक्टर्स डे पे सर भगवान के बाद डॉक्टर का ही नाम आता है, तो सर आज समाज के लिए सर कोई संदेश मैं चाह रहा हूँ आपके तरफ से एज ए होम्योपैथिक डॉक्टर। एज ए होम्योपैथिक डॉक्टर समाज के सभी वर्गों से एक
छोटा सा निवेदन है कि आपको किसी भी तरह की बीमारी हो तो एक बार वो अच्छे से अच्छे होम्योपैथ डॉक्टर को संपर्क करके अपना ट्रीटमेंट ले सकते हैं, क्योंकि होम्योपैथ में एक्यूट से लेकर के क्रॉनिक बीमारियों को भी पूर्ण रूप से इलाज है। सर आपने स्टेट मीडिया को समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।